बच्चों, तुमने ऋतिक रोशन की वह फिल्म तो देखी होगी जिसमें दूसरे ग्रह से एक जीव आता है, जादू। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें भी एक दूसरे ग्रह का प्राणी रॉकेट में आता है, लेकिन साफ पानी की खोज में। क्या धरती पर उसे साफ पानी मिला? पानी की खोज। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया, जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई, लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं जीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगी, टीना उत्साह से बोली। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुँचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है, लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने जीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं, इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है, यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहां कहां मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है, जीटो ने कहा। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहां से आए? टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, जीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है, इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई हैं। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन हो जाएगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक ग्लास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए, जल ही जीवन है। पशु पक्षी पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुँच गया था। टीना उतर आई पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा,
मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो